Hey guys, welcome to TV का तड़का, जिसमें क्विज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज, ये रिश्ता के सेट पर प्रणाली, करिश्मा ने की जमकर मस्ती। दरअसल टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीड रोल निभा रही प्रणाली राठौर ने सेट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में प्रणाली करिश्मा सावंत के साथ नजर आ रही हैं। इस कुछ सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रणाली और करिश्मा एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। दोनों ही जिम वाले आउटफिट में हैं। तभी अचानक से नीरज गोस्वामी बीच में आ जाते हैं और दोनों को धक्का दे देते हैं। तीनों का ये वीडियो काफी ज्यादा फनी है और सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज, नागिन 7 का हिस्सा बनने पर फिर बोली प्रियंका, इस बार कहा कुछ ऐसा। नागिन 7 में लंबे वक्त से प्रियंका जहर चौधरी का नाम जुड़ रहा है, वहीं अब एक बार फिर से प्रियंका ने शो का हिस्सा बनने पर रिएक्ट किया है। टेली चक्कर से बातचीत में प्रियंका ने कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं अभी इस शो के लिए बात करने की स्थिति में नहीं हूं, इसीलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब मैं टेलीविजन से ब्रेक ले रही हूं और खुद को समय दे रही हूं। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज, वेकेशन के दौरान दिखा रुबीना का बेबी बम, फैंस में खुशहाली। रुबीना दिलेक इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट में बनी हुई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस से जुड़े एक सोर्स ने खुलासा किया था कि एक्ट्रेस 4 मंथ प्रेग्नेंट हैं। वहीं अब रुबीना की हालिया वेकेशन से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें रूबी का बेबी बम साफ देखा जा सकता है। एक्ट्रेस की तस्वीरें देख फैंस में खुशी की लहर देखी जा सकती है और वो अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर रुबीना या अभिनव कब इस पर चुप्पी तोड़ेंगे। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज, डिलीवरी के बाद 4 हफ्तों तक बुरे दौर से गुजरी इशिता दत्ता, सुनाई आप भी दी। इशिता दत्ता ने एक वीडियो शेयर किया है और बताया है कि वो डिलीवरी के बाद 4 हफ्तों तक बहुत दुख भरे दौर से गुजरी हैं। वो ना तो ढंग से खाती हैं और ना ही सोती थी। इशिता ने बताया कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड तक नहीं करा पा रही थी, वो अकेलापन फील करती और रोती। वीडियो में उन्होंने बताया कि वो माँ बनने के बाद से स्ट्रेस और अकेलेपन से जूझ रही हैं। साथ ही उन्होंने नई मम्मियों को सलाह भी दी है। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज, खतरों के खिलाड़ी 13 की एलिमिनेशन देख भड़के लोग। रविवार के एपिसोड में अर्जित तनेजा, सौंदस मफकीर, अर्चना गौतम, रश्मित कौर और ऐश्वर्या शर्मा पर फियर फंदा था। रोहित शेट्टी ने इन सभी को टास्क परफॉर्म करके खुद को बचाने का मौका दिया। सभी कंटेस्टेंट्स ने खुद को सेव करने के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन अंत में ऐश्वर्या और सौंदस एलिमिनेशन में फंस गए। रोहित ने एलिमिनेशन राउंड में ऐश्वर्या और सौंदस को पानी से जुड़ा एक टास्क दिया। ऐश्वर्या ने टास्क को बीच में ही छोड़ दिया। इसी के साथ ही साफ हो गया था कि सौंदस बच गई हैं और ऐश्वर्या शो को छोड़ेंगी, लेकिन रोहित ने अंत में सबको ये बताते हुए हैरान कर दिया कि अब शो से कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज, नीली ड्रेस में मौनी ने ढाया क्या है। एक्ट्रेस मौनी रॉय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी है। खैर, सोशल मीडिया पर मौनी का ये लेटेस्ट लुक काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस ब्लू कलर की खूबसूरत ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। मौनी के फिगर और उनके स्टाइल की लोग खूब तारीफें कर रहे हैं। टीवी का तड़का, सातवें आखिरी टॉप न्यूज, शहनाज गिल और अवनीत कौर के साथ पार्टी करते दिखे अलविश यादव। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ शहनाज गिल के साथ पार्टी करते हुए अलविश यादव और अवनीत कौर का ये वीडियो। नाइट क्लब में सभी एक साथ मस्ती करते हुए नजर आए। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की सात छोटी बड़ी खबरें।